झकास भारत से मैं रविकांत। मैं अभी हूँ राष्ट्रीय पुस्तक मेला में। कल पटना पुस्तक मेला में दिखला रहे थे, जैसा कि सभी स्टॉल पर किताब लगे हुए हैं और अलग अलग प्रकार की किताब देखने के लिए मिल रहा है। अभी एक भगवत गीता का मैथिली संस्करण में इसका पोस्टर दिखा है। इनके दुकानदार जो स्टॉल लगाए हैं उनसे अभी बात करते हैं। आ जाइएगा। ये सभी इंग्लिश में नॉवेल वगैरह है और ये किताब है। भैया आप ही हैं स्टॉल के? आ जाइएगा थोड़ा सा। एक भगवत गीता का वहाँ पे लगा हुआ था वो, आपके पास भगवत गीता मैथिली में है? मैथिली में है ये भगवत गीता, कंप्लीट 700 श्लोक का मैथिली में ट्रांसलेशन है ये। जी कहाँ है वो? ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, ये किताब है ये जी। और इसमें ये काजल कर्ण है जी, जो यूएसए में रहती हैं। अच्छा। और यूएसए में रह के इन्होंने मैथिली और मिथिला के लिए बहुत इन्होंने काम किया हुआ है, उसी के संदर्भ में ये भी एक ट्रांसलेशन है। कितने का होगा ये किताब? किताब का कीमत हमने 300 का रखा हुआ है, लेकिन बुक फेयर में हम लोग स्पेशल डिस्काउंट पे दे रहे हैं, 200 में दे रहे हैं। अच्छा। ताकि मिथिला को हम कुछ इनकरेज कर सके, मैथिली पीपल को। आप भी मिथिला से ही हैं? हाँ, मैं भी मिथिला से ही बिलोंग करता हूँ। जिला? जिला मेरा मुजफ्फरपुर है वैसे। अच्छा। बट दरभंगा मधुबनी। सभी श्लोक का अनुवाद मैथिली में ही होगा? हाँ, सभी श्लोक का मैथिली में है, इसमें हमने हिंदी एक भी शब्द यूज नहीं किया हुआ है। संस्कृत? संस्कृत और मैथिली। और इसमें इसकी एक और खासियत है क्या, इसमें मिथिला पेंटिंग्स हमने यूज़ किया है, खुद से अपना पेंट कर सकते। हाँ, बीच बीच में अगर आप देखेंगे, लाइक जैसे अभिमन्यु का है, ये मिथिला पेंटिंग्स आर्टिस्ट लोगों ने इसको किया है, जो कृष्ण संदेश दे रहे थे उसमें। हाँ, वो भी है। ये विराट रूप है कृष्ण भगवान का, जो अर्जुन को उन्होंने दिखाया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो कंप्लीट बुक में देखेंगे ये शंखनाद है अर्जुन और कृष्ण का, इस तरह से मिथिला पेंटिंग को यूज़ करके हमने, मतलब श्रीमद् भगवद गीता मैथिली संस्करण में भी यहाँ पे राष्ट्रीय पुस्तक मेला गांधी मैदान पटना में मिल रहा है, वही अभी देखे तो सोचे इसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। और क्या नाम बताया भाई साहब? मेरा नाम विनय है, विनय दत्ता। कहाँ से अभी आए हैं ये? अभी हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं जी। हाँ, बिल्कुल। और भी सारे बुक स्टॉल वाले अलग अलग जगहों से आए होंगे? मोस्ट ऑफ तो दिल्ली से ही है ज़्यादातर, और कुछ पटना के भी हैं। कुछ पटना के भी? हाँ। और कोई किताब रखते हैं कि केवल धार्मिक? ये बच्चे वगैरह का है? बच्चों, चिल्ड्रेन क्लासिक्स है, चिल्ड्रेन साहित्य में देखें स्टोरी बुक्स है, ड्राइंग की बुक्स है, एक्टिविटीज़ की बुक्स है, इंसाइक्लोपीडियाज में देखेंगे। अब ये संपूर्ण पंचतंत्र है, बहुत बुने ये पंचतंत्र की कहानियाँ हैं बच्चों के लिए, इलस्ट्रेटेड। हाँ, तो और भी अगर उधर देखते हैं आप तो इंग्लिश लिटरेचर है उस सेक्शन में, इधर आप देखते हैं तो हिंदी लिटरेचर है, मालती जोशी वगैरह सब है ये हमारे पास। मोटिवेशनल बुक में डेल कार्नेगी वगैरह है, जोसेफ मर्फी है, तो ये सब है। अभी एपीजे कलाम का इंटायर रेंज है हमारे पास, उनका किताब का ग्रामर कंपोजिशन ये सब एवरी काइंड। मतलब इस बार यहाँ का जो बिक्री है वो कैसा है? बिक्री बहुत अच्छा है, बढ़िया है, काफ़ी हाँ उत्साहवर्धक है। आप लोग यहाँ पर ये स्टॉल लेते होंगे तो इसका चार्ज भी? हाँ, ऑफ कोर्स चार्ज तो देना ही, रेंट है 10 का रेंट हम देते हैं ऑर्गेनाइजर को। 10 का? कब से लग रहा है ये राष्ट्रीय पुस्तक मेला? ये 10th इसी 10 तारीख से 20 तारीख तक है। नहीं नहीं, ये कितने सालों से? ये तो पटना में तो बहुत सालों से लग रहा है। आप कितने सालों से आ रहे हैं? हम करीब 5 से आ रहे हैं यहाँ। 5 से जी। चलिए, अच्छा लगा बात करके। और भी हम कुछ जगहों पर जाकर किताब के बारे में जानेंगे और बताएंगे, ऐसे ही बुक स्टॉल लगाने वाले। यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता को देखे थे कि मैथिली संस्करण में बहुत कम देखने के लिए मिला है, और अभी हम दूसरे जगह पर जाकर दिखलाने का। झकास भारत से मैं रविकांत, राष्ट्रीय पुस्तक मेला पटना में अभी हूँ, और ये दिखला रहा हूँ अभी एक ये वेद का शब्द वेद मिला है इस किताब में। क्या है भैया? चारों वेद क्या इसमें? चारों वेद है, श्याम वेद, ऋग्वेद, अथर्वेद, और इसका 6500 कीमत है, 6500 कीमत है इसकी। 8 किलो वेट है इसका। कितने किलो? 8 किलो। और ये बल्ड की पहली किताब है, और इसका राइट्स हमारे पास ही है, राजस्थान पत्रिका के पास ही, और बहुत अच्छी किताब है। आप लोग आए कहाँ से? मैं राजस्थान से आया हूँ, जयपुर से। अच्छा, राजस्थान जयपुर से। बैठ जाइए। ये इसमें चारों वेद देखने के लिए मिलेगा। तो एक 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 पेज में एक एक पेज होता है ना? वो वेद वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद,
ये सनातन धर्म और सनातनी परंपरा का ये जो वेद हो, चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, वो चारों वेद इसमें उल्लेख है पूरे अश्लोक सहित। जी ओनली संस्कृत में, ओनली संस्कृत। हाँ अच्छा, संस्कृत में जैसे कि स्टॉल लगाने वाले बता रहे हैं संस्कृत में, ये यहाँ पर ज्यादा राजस्थानी पत्रिका ही नजर आ रहा है। राजस्थान पत्रिका का पब्लिकेशन है ये खुद का। अच्छा। पत्रिका पब्लिकेशन के नाम से, मतलब कि किताब खरीदने वाले रुचिकर यहाँ लग रहे हैं पटना में? हाँ रुचि तो ले रहे हैं, पर अभी तक बिकी नहीं है। रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं इस किताब में बहुत। चलिए बहुत अच्छा, और भी जगहों पे अभी जाएंगे। अभी देख रहे होंगे यहाँ पर एक बिहार पर्यटन पर विशेष पुस्तकें यहाँ पे दिखा मिल रही है। आ जाइएगा, क्लोज आ जाइएगा। क्या भैया ये बिहार के बारे में यहाँ पे किताब मिल रही है? ये बिहार टूरिज्म पे आपको सारा किताब मिल जाएगा। ये इनके जो राइटर हैं, मतलब इनके बड़े भाई जो हैं, अच्छा, वो हर जगह खुद जाकर रिसर्च किए हैं और खुद का उनका शूटिंग किए हैं। और पूरा ये हिंदू सर्किट पे आपको बुक हो गया, जिसमें कि 27 जिले का, ये 27 जिले में जितना टेम्पल है सबके बारे में डिटेल हो जाएगा। फिर ये सिख सर्किट पे तैयार किया गया जिले में, मतलब पूरे बिहार 27। हाँ अच्छा, रिसर्च आपका 27 जिला? हाँ 27 जिला पे किया। ऐसे बिहार में 38 जिले हैं, पर इनका रिसर्च 27 जिले में, 27 जिले में, उसके बाद ये किताब लिखे हैं। कौन ने ये अंक भैया जी? ये इनके बड़े भाई लिखे हैं। अच्छा, ये अच्छा। उसके बाद ये सिख सर्किट पे हो गया। सिख सर्किट ये जितने गुरु जो है बिहार से जुड़े हुए, जितने गुरु, दसवें गुरु, दस मतलब शुरुआत से गुरु नानक से लेके गुरु ये गोविंद, गुरु ग्रंथ तक उनका, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के बाद जो गुरु ग्रंथ जो 11वें गुरु है ना, उनका भी डिटेल इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया है सारे गुरुद्वारा के बारे में। फिर ये वैशाली सर्किट पे हो गया। अच्छा। और ये भावनाथ झा मैथिली राइटर हैं। अच्छा, ये मैथिली, हाँ मैथिली किताब है, इसमें भक्ति की मैथिली में इधर एक भागवत गीता भी लिखा हुआ है। हाँ ये है, जैसे इसमें आपको हो गया, मतलब जो 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 मैथिली भक्ति गीत होता है ना, उसका कलेक्शन इसमें किया गया, वो खुद जो लिखे हैं। आप आए कहाँ से? हम तो कंकरबाग से हैं। ये इनका हो गया, मेरा अपना इधर बुक है। अच्छा, आपका अपना इधर बुक है? हाँ। उनका इधर बुक है। हाँ। एक ही स्टॉल में दो लोग हैं। हाँ शेयर किए हैं हम लोग। अच्छा, अच्छा। तो बिहार, बिहार पर्यटन में यहाँ पर ग्राहक कैसे, पुस्तक पढ़ने और खरीदने वाले लोग कैसे आ रहे हैं? उनको बताना पड़ता है सारे चीज की डिटेल्स के बारे में। अच्छा, हिंदू सर्किट के बारे में 27 डिस्ट्रिक्ट का इसमें इन्फॉर्मेशन है सारा, प्राचीन मंदिरों का, धर्म स्थलों का, जो इंटरेस्टेड होते हैं वो ले लेते हैं। मतलब 27 जिलों में जो भी जहाँ पे मंदिर है या कुछ भी है? जी जी जी, प्राचीन मंदिर जितने भी हैं। हाँ। कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हैं जी, आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, जो भी मंदिर है इसमें अंतर्राष्ट्रीय से सारे का इन्फॉर्मेशन है। और इसका सेकंड एडिशन आने वाला है 15 दिन बाद। क्या नाम हुआ? मेरा आर के सिन्हा। आर के सिन्हा, आपका क्या नाम हुआ? ईशान दत्त। ईशान दत्त जी, ये बिहार पर्यटन के अभी स्टॉल पे आए थे राष्ट्रीय पुस्तक मेला में, गांधी मैदान पटना में। ये बिहार के पूरे रिसर्च करके जो लेखक लिखे हैं बिहार पर्यटन में, वैसी किताबें यहाँ पे मिल रही है। और भी हम कुछ जगहों पर जाने का प्रयास करेंगे। और इधर दिखाइएगा पूरा ये पुस्तक मेला जिस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं बिहार के राष्ट्रीय पुस्तक मेला में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही था। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।